केंद्र सरकार और किसानों के बीच हो रही वार्ताओं के बार बार विफल होने का प्रमुख कारण केंद्र सरकार का घमंड में चूर होना है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार को देश की जनता ने जरूरत से ज्यादा बहुमत दे दिया है, जो कि उनके सिर चढ़कर बोल रहा है। हमीरपुर में कांग्रेस पार्टी की संयुक्त पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र राणा, विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा, जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार ने केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार को घेरा और किसानों के 8 दिसंबर के भारत बंद का समर्थन किया। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया किसान कानून किसान विरोधी है, इसलिए देश का किसान सड़कों पर उतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के घमंड के चलते किसानों की आवाज नहीं सुनी जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार को जरूरत से ज्यादा बहुमत मिलने के कारण सरकार का दिमाग खराब हो चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी और उनकी मांगों का समर्थन करती है। ये सरकार जो किसान बिल लेके आई है वो किसानों के खिलाफ है और किसान जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और यही एक कारण है कि पूरा देश के किसान जो है आज दिल्ली में जो है वो एजिटेशन कर रहे हैं। और सरकार इतनी घमंड से चूर हो चुकी है, इतना इतना हाई हेडेड है कि किसानों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लग रहा है कि जरूरत से ज़्यादा समर्थन सरकार को जो देश की जनता ने दिया है, इसलिए इनका जो है वो घमंड जो है वो सिर चढ़कर बोल रहा है। और मैं कई बार अक्सर चर्चा करता हूँ कि जरूरत से ज़्यादा किसी को मिल जाए या जरूरत से ज़्यादा देना जो है या तो पेट खराब कर देता है या दिमाग खराब कर देता है। तो सरकार के दोनों चीज़ें खराब हो गई हैं और आने वाले समय में सरकार को बाहर का रास्ता यही देश की जनता दिखाएगी। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी जो है किसानों के साथ है, और किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, और कल भी 8 तारीख को बंद रखा है और कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है। प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए राणा ने कहा कि कोविड काल में सरकार ने विभिन्न स्रोतों से धन एकत्र करने के साथ साथ कोविड टेस्ट से करोड़ों रुपए इकट्ठा किए, जिसके खर्च पर सरकार श्वेत पत्र जारी करे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कोविड सेंटरों की हालत दयनीय है और इसका प्रमाण खुद भाजपा के मंत्री व विधायक दे चुके हैं। उन्होंने सरकार पर कोविड फंड के फिजूल खर्ची के आरोप भी लगाए। यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमने ये कहा है कि कोरोना काल में प्रदेश सरकार ने जहां लोगों से धन इकट्ठा किया, वहीं पर शराब के ऊपर टैक्सेस लगाए गए हैं। अंग्रेजी बोतल के ऊपर 10 रुपये और देसी शराब की बोतल के ऊपर 5 रुपये, बियर के ऊपर 5 रुपये, ऐसे अलग अलग सोर्सेज से पैसा इकट्ठा हुआ है। तो सरकार श्वेत पत्र जारी करे कि आखिर इतना पैसा जो इकट्ठा हुआ है, कोरोना के नाम पैसा इकट्ठा गया है, वो कहाँ पैसा खर्च हुआ। क्योंकि जो कोविड सेंटर हैं जहाँ हॉस्पिटल में कोविड के पॉजिटिव पेशेंट जा रहे हैं, वहाँ पर लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है। और दूसरा है कि जो मंत्री भी कोविड पॉजिटिव हुए हैं, उनका भी वहाँ पर हॉस्पिटल्स में बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा है। और जो उन्होंने आगे बयान किया है कि वहाँ पर जो है लोगों को मरने के लिए छोड़ा जा रहा है, वहाँ पर पूछ नहीं हो रही है, लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है, तो मुझे लग रहा है ये सरकार का बहुत बड़ा फेलर है और धीरे धीरे लोगों का विश्वास जो है वो सरकार से उठ रहा है। राणा ने प्रदेश सरकार पर सवालों से बचने के लिए विधानसभा सत्र को स्थगित करने का आरोप लगाया। राणा ने कहा कि सरकार जनता के विकास से जुड़े सवालों का जवाब नहीं देना चाहती है, इसलिए सत्र नहीं बुलाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के 3 साल का कार्यकाल विफलताओं से भरा हुआ है। दूसरा, मैंने ये कहा है कि लोगों के छोटे छोटे मुद्दे जो है विधायकों के माध्यम से प्रश्न किए जाते हैं, वो इस सरकार ने इस सेशन को जो है रद्द कर दिया। सरकार ने ही नोटिफिकेशन करी पहले कि 7 से लेकर 11 दिसंबर तक जो है वो जो है विधानसभा धर्मशाला में लगेगी, और उसी सरकार ने इसको कैंसिल कर दिया। बहुत सारे विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र से संबंधित समस्याओं को लेकर प्रश्न लगाए थे, और वहाँ पर सरकार का जो फेलर है, वहाँ पर सरकार एक्सपोज होने वाली थी। इसलिए मेरा आपसे, मैं यही कह रहा था कि सरकार जो है 3 साल में जो सरकार का फेलर रहा है, हर मुद्दे पर सरकार फेल रही है। डेवलपमेंट के मुद्दों को लेकर सरकार जो पूरी तरह फेल हो चुकी है, कोविड में फेल हो चुकी है, इन सारे मुद्दों को लेकर सरकार गिरने वाली थी। इसलिए सरकार जो है चर्चा से भागी है और चर्चा करना नहीं चाहती है, इसलिए सरकार ने जानबूझ के जो है वो इसको रद्द किया है।
बरसर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश सरकार कोविड काल में आम जनता की मदद करने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार को कोविड से हुई मृत्यु वाले परिवारों को आर्थिक मदद देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को सरकारी अस्पतालों में सही इलाज न मिलने के चलते प्राइवेट में इलाज करवाना पड़ा, जिससे उनकी आर्थिकी पर भी असर पड़ा है। लखनपाल ने होटल व टूरिज्म से जुड़े व्यवसाय से बेरोजगारी के लिए भी आर्थिक पैकेज की मांग उठाई। जो लोकतंत्र में जो चुनी हुई सरकार होती है वो जनता के प्रति जो है उसकी कुछ जवाबदेही रहती है। आज पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर बहुत से कोरोना काल में कोरोना की बीमारी से लोग जो है मृत्यु के ग्रास में गए हैं। हमारा मानना ये है कि जहां सरकार ने करोड़ों रुपया जो है दान के रूप में इकट्ठा किया है और उसमें हम भी भागीदार हैं, हमने भी पैसा दिया है, विधायकों ने भी पैसा दिया है और अन्य संस्थाओं ने भी पैसा दिया है और गरीब जनता ने भी पैसा दिया है कोरोना काल की लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन सरकार की तरफ से आम जनता को कोई राहत नहीं दी गई। हमारा ये मानना है, मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि कोरोना काल में जितने भी मृत्यु हुई हैं सरकार उसके लिए आर्थिक पैकेज का घोषणा करे और उन परिवारों को आर्थिक सहायता पहुंचाए, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं जो मृत्यु के ग्रास में गए हैं और सरकारी हॉस्पिटलों में तो इलाज हुआ नहीं और जो लोग थक हार कर प्राइवेट हॉस्पिटलों में जिन्होंने इलाज कराया, लाखों रुपए वहां खर्च किए और बावजूद उसके वो मृत्यु के ग्रास में गए, आज उनकी भरपाई कौन करेगा? तो मेरी ये मांग है सरकार से कि वो इसके बारे में ध्यान करे, विचार करे और जो जितनी भी मृत्यु हुई है उनको वो आर्थिक लाभ दें। तो मेरी ये भी मांग रहेगी सरकार से, हमारी सबकी मांग रहेगी कि कांग्रेस पार्टी की भी मांग रहेगी कि होटल इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए, टूरिज्म इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए जो बच्चे हमारे बेरोजगार हुए हैं होटल इंडस्ट्री से, उनके लिए भी आर्थिक पैकेज वो देने की कोशिश करें।